Co-powered by Techno. समाजवादी पार्टी तो आरोप लगा ही रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि अपराध पर काबू करने के लिए एनकाउंटर क्या जरूरी है? एनकाउंटर पर जो राजनीति हो रही है उस पर भी आएंगे, लेकिन अपराध पर काबू करने के लिए एनकाउंटर जरूरी है क्या? देखिए सुमेरा जी, एक तो एनकाउंटर कोई प्री प्लान्ड चीज नहीं है। जब अपराधी कहीं घेरा जाता है, अपराधी को पकड़ने पुलिस जाती है और अपराधी पुलिस पर हमला करता है, तो पुलिस अपने उन्हीं संवैधानिक जो सुरक्षा कवच किसी भी नागरिक को मिलता है भारत के, तो वो अपने आत्मरक्षार्थ वो प्रहार करता है। उसमें अगर कोई बदमाश घायल हो गया, मारा गया, तो वो इनकाउंटर होता है। तो इनकाउंटर पे किसी का बस नहीं है। चूंकि एक दुर्दांत घटना सुल्तानपुर में हुई थी, सराफा व्यवसायी के यहाँ लूट हुई थी और उस पर पुलिस काम कर रही है। और आप ये कह रहे हैं कि कोई प्लान थोड़ी होता है। पुलिस जाती है, पकड़ने की कोशिश करती है और अगर वापस वहां से कार्रवाई होती है तो एनकाउंटर हो जाता है। लेकिन आप पर यही आरोप लगाया जा रहा है, जो यूपी पुलिस है उस पर यही आरोप लगाया जा रहा है, सरकार पर यही आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष द्वारा, कि ये तो स्क्रिप्टेड लग रहा है। जो हालात बने, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जिस तरह से एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं, जाति का सवाल तो उठ ही रहा है लेकिन एनकाउंटर पर जो सवाल उठ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है ये स्क्रिप्ट के तहत है। और इसीलिए ये आरोप भी कि स्क्रिप्ट के तहत पहले यादव का एनकाउंटर हुआ, अब काउंटर करने के लिए ठाकुर का एनकाउंटर कर दिया। देखिए सुमेरा जी, इससे ज्यादा और कोई भी दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि हम लोग टीवी चैनल पर बैठ के अपराधी की जाति और धर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव यही नैरेटिव बनाना चाहते हैं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की जेलों में जो बंद अपराधी थे, अगर उनके जाति और धर्म के अनुपात को अगर आप उठाकर देख लेंगी तो बहुत चीज़ें अपने आप साफ हो जाएगी। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता से हमने वादा किया था कि क्राइम फ्री और करप्शन फ्री उत्तर प्रदेश हम बनाएंगे। उसके आधार पर संगठित अपराधियों की कमर उत्तर प्रदेश में टूट गई है। लेकिन अगर कहीं अपराध होगा तो उत्तर प्रदेश की जनता से हमने जो वादा किया था, तो हम अपराधियों पर कार्रवाई करें कि अखिलेश यादव के अनुसार हम जाति देखें, धर्म देखें, उसके बाद कार्रवाई शुरू हो, तो ये तो संभव नहीं है। और सुनील साजन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी सरकारों के समय में इनकाउंटर हुए हैं। ठीक है सुनील साजन जी, देखिए जी सुमेरा, इनकाउंटर हुए हैं, पहले भी हुए हैं। जी सुमेरा, हम आंकड़े भी अभी सामने रखेंगे कि पहले की सरकारों में किस तरह के एनकाउंटर और कितने एनकाउंटर किए गए हैं। लेकिन एनकाउंटर अगर होता है या कोई अपराधी अगर मारा जाता है तो उसकी जाति के बारे में बात करना और उसकी जाति को अहम मुद्दा बना देना, लॉ एंड ऑर्डर का आप मुद्दा बनाते, कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाते तो वो एक अलग बात होती, लेकिन यहाँ पर जाति को ही मुद्दा बना दिया गया। तो एनकाउंटर में जाति ढूंढना और उस पर राजनीति करना, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है सुमेरा जी। लेकिन आपको देश को ये भी बताना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत किसने की। जब लखनऊ में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है, भाई बहन जा रहे थे और सोहदे उस पर पानी छिड़ते हैं या उस लड़की को छिड़ते हैं, तो उत्तर प्रदेश के सदन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी केवल दो नाम लेते हैं। 35-36 नामों में केवल दो, एक यादव, एक मुसलमान, वो भी ऐसे नाम जो उस घटना में शामिल नहीं थे। मतलब हम माननीय मुख्यमंत्री जी की बुद्धि को क्या कहें या उनके अधिकारियों की बुद्धि को क्या कहें। माननीय न्यायालय ने छोड़ दिया उनको। और सवाल समाजवादी पार्टी ने हमेशा इनकाउंटर प्रक्रिया पर उठाया है। जब मंगेश यादव की हत्या हुई तो हम लोगों ने पहले दिन कहा कि यह इनकाउंटर नहीं, हत्या है। दो दिन पहले पुलिस उठाती है और उसके बाद मार देती है। आज जब इनकाउंटर हुआ तो समाजवादी पार्टी के नेता का भी बयान आ गया। हम लोगों ने भी कहा कि अकाउंट सेटल इनकाउंटर है। मतलब अब पुलिस सरकार के लिए काम करेगी। अगर सरकार फंस गई पीडीए के लोगों के इनकाउंटर में या मंगेश यादव के इनकाउंटर में, पुलिस फंस गई और सरकार नैरेटिव सेट कर रही कि नहीं, अब यादव की अगर हत्या हो गई है तो एक ठाकुर भी मारना जरूरी है, क्या यह पुलिस का काम है? राजनीतिक एजेंडे पे फंस जाएगी अगर एसटीएफ तो क्या होगा फिर? और दूसरी बात जी, आप, मैं भी बीजेपी को सुनना था, कहे कि हम क्राइम फ्री और करप्शन फ्री,
अरे महाराज, आपकी सरकार में दो ही चीज है केवल, बाकी सब फ्री हो गया है, या तो क्राइम है या करप्शन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है बीजेपी सरकार में। और एक जगह घटना होती है सुमेरा जी, जी। सुल्तानपुर की लूट है, आप देखिए कि पुलिस और एसटीएफ कितना थ्योरी बदल रही है। एक घटने में कहीं इतनी थ्योरी बदली जाती है, पहले कहते हैं कि मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया, फिर हमने हाफ इनकाउंटर कर दिया, फुल इनकाउंटर कर दिया, माल बरामद हो गया, सब कुछ हो गया, और फिर राजनीतिक बैलेंस करने के लिए ये करा जा रहा है। आपके मुताबिक राजनीतिक तौर पर बैलेंस करने के लिए अकाउंट सेटल एनकाउंटर है ये, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। लेकिन बीजेपी कहती है कि कानून का राज स्थापित किया जा रहा है, एनकाउंटर अगर उसमें होता है तो इसमें कोई बात नहीं। लेकिन जो अभी जिक्र कर रहे हैं सुनील साजन जी, ये भी तो है, यानी जब आपको सूट करता है तब आप जाति और धर्म का जिक्र करते हैं और उससे इशारा करते हैं राजनीति की तरफ, लेकिन जब आपको सूट नहीं करता है और सवाल उठाया जाता है जाति को लेकर, तो कहा जाता है कि जाति के बारे में क्यों बात कर रहे हैं आप, जातिगत राजनीति कर रहे हैं आप, अपराधियों की जाति बता रहे हैं। नहीं सुमेरा, मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। एक तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में आज हम अपराधियों के मरने पर जाति जाति की बात कर रहे हैं। हम अयोध्या में जो कुछ हुआ था, जो उस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, तब हमने ये सब कुछ देखा। हमने तब भी देखा जब नवाब सिंह यादव इस मामले में पकड़ा गया। सवाल यहाँ ये नहीं है कि राजनीतिक तौर पर जाति का उपयोग कैसे हो रहा है। जाति का उपयोग करेंगे ही, नेता इसी के लिए करते हैं। कोई छिपी हुई बात है क्या कि हर नेता तय है कि कौन किस जाति का नेता है? असली मसला आप समझिए, क्या योगी आदित्यनाथ सिर्फ ठाकुरों के बल पर उत्तर प्रदेश में राज कर सकते हैं क्या? ये सवाल मैं बड़ी गंभीरता से पूछ रहा हूं। इस राजनीति में अनुज प्रताप सिंह ठाकुर है, वो इसलिए मारा गया या वो इसलिए मारा गया कि वो भी उस डकैती में शामिल था? मंगेश यादव इसलिए मारा गया कि अखिलेश यादव की जाति यादव का है या फिर वो डकैती में शामिल था? सीसीटीवी फुटेज में ये सब, अब इस पे भी अगर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं तो ये शर्मसार करने वाली राजनीति है। और मुझे लगता है कोई भी जरा सा भी सभ्य समाज का व्यक्ति इस बहस को पसंद नहीं। हर्षवर्धन जी, मेरा सवाल ये था कि क्या पूरी बात करो, तुम्हारा बात पूरी हो, तुम्हारा बात पूरी, मैंने आपका सवाल सुन लिया था, बात पूरी होने दी। और यही वो पुलिस थी जिसने इस प्रदेश में हर जिले में गुंडे अपराधी इस तरह से रहते थे, इसी पुलिस की वजह से आज कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ को जाना जाता है। अब इसके आगे का प्रश्न है, क्या लगातार जो एनकाउंटर हो रहे हैं उस पर सवाल उठना चाहिए? उस पर बिल्कुल सवाल उठना चाहिए। किसी भी राज्य में अगर पुलिस लगातार एनकाउंटर करने की स्थिति में आ रही तो उस पर सवाल खड़ा कीजिए, उस प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कीजिए, और इस पर भी सवाल खड़ा कीजिए कि क्या पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही? एनकाउंटर ना होता तो ज्यादा अच्छा होता, एनकाउंटर के पक्ष में कोई नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हर्षवर्धन जी, मेरा सवाल इससे अलग था। मेरा सवाल ये था कि क्या सभी राजनीति का इस्तेमाल करते हैं, धर्म और जाति का इस्तेमाल करते हैं अपनी राजनीति को साधने के लिए? अपराधियों के नाम और उनकी जाति जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गिनवाते हैं तब क्या वो ठीक है, और जब अखिलेश यादव गिनवाते हैं तब क्या वो ठीक है? अगर अखिलेश यादव जब गिनवा रहे हैं और समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है, अगर तब सवाल है तो योगी आदित्यनाथ जब जाति गिनवाते हैं तो तब भी सवाल होना चाहिए? यानी दोनों ही उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना बराबर? नहीं नहीं, दोनों में बड़ा बारीक सा फर्क है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्यों नहीं दिखा सुमेरा। ये सवाल बनता नहीं है। योगी आदित्यनाथ को 16 के 16 नाम पढ़ने चाहिए थे, बड़ी अच्छी बात है। क्या इस डकैती में अनुज प्रताप सिंह का नाम पहले दिन नहीं आया था? इस सवाल का जवाब दीजिए आप मुझे। क्या इस डकैती में मंगेश यादव का नाम सिर्फ सामने आया था? उस घटना में हम ही आप सवाल ये करेंगे कि उस वक्त यादव और मुसलमान का नाम क्यों लिया विधानसभा में, जो पानी जो दंपति जा रहे थे उनके ऊपर डाला? और आज हम ये कह रहे हैं जब अनुज प्रताप सिंह का भी नाम है, सीसीटीवी फुटेज जारी है, यादव हो, ठाकुर हो और किसी जाति का हो, सबका नाम सामने है, तो हम कैसे कहेंगे कि एक जैसी राजनीति हो रही? नेता जाति की राजनीति करते हैं और अखिलेश यादव के लिए रणनीतिक तौर पर आप समझिए, जिस दिन योगी आदित्यनाथ को यह साबित कर दें कि ये ठाकुरों की राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए वही काम है, यही वो करना चाह रहे हैं, इसी बात को स्थापित करना चाह रहे हैं और इसी की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है, योगी आदित्यनाथ एक मठाधीश के तौर पर, एक हिंदू मठाधीश के तौर पर वहां है और इसीलिए मठाधीश माफिया का अंतर भी क्यों बताया, इसीलिए बताया ना? ठीक है, तो बहुत क्लियर है, राजनीति सब जाति की कर रहे हैं लेकिन अपराधी के साथ जाति के आधार पर खड़ा होना ये गलत। को पावर्ड बाय टेक्नो।